आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, रियासना आपके साथ है। बात करेंगे हम कुछ ट्रेंडिंग ट्वीट्स की। उनमें से मोदी पनौती है, मोदी माफी मांग, देश की शान मोदी और बैन ट्विटर इंडिया, ये कुछ पॉपुलर ट्वीट्स हैं जो कि कल रात से ही ट्रेंड कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हैशटैग मोदी माफी मांग ट्वीट की। तो यहाँ पर बैनी ब्रार लिखते हैं, 3 black bills आर एम्ड एट डिस्ट्रॉइंग फार्मर्स बाय हैंडलिंग ओवर एग्रीकल्चर एंड मार्केट टू द बिग कॉरपोरेट्स। दे वॉन्ट टू स्नैच अवे आर लैंड बट वी विल नॉट लेट देम डू दिस। रिपील 3 farm bills। हैशटैग मोदी माफी मांग। तो फार्मर्स प्रोटेस्ट पे और फार्म बिल पर यह ट्वीट जो है ट्रेंड कर रहा है। दूसरा ट्वीट लिखते हैं बैनी ब्रार ही, लेकिन उनके ट्वीट की जिक्र हम कर चुके हैं, इसलिए अगला ट्वीट है नवनीत कौर सोही का। लिखती हैं, जस्टिस इज ट्रूथ इन एक्शन, रेज योर वॉइस लाउडर फॉर हिम। हैशटैग जस्टिस फॉर नवरीत किलिंग। नवरीत जी के डेथ पर, डेथ के बाद यह ट्वीट जो है ट्रेंड हो रहा है और फार्मर्स प्रोटेस्ट पर भी ये बातें लिखी गई है। उसके अलावा थेनोस पंडित नामक एक आईडी से लिखा गया है, 56 inch failed the nation terribly, give a medal to the maker, मोदी माफी मांग, मोदी कायर है। आकाश प्रसाद लिखते हैं, मिस्टर मोदी अपोलोजाइजेज टू द फार्मर्स ऑफ द एंटायर नेशन, हैशटैग मोदी माफी मांग, किसान आंदोलन। उसके अलावा प्रीति चौधरी लिखती हैं, हैशटैग मोदी पनौती है, अग्रीड, हैशटैग मोदी माफी मांग, ओनली आरटी, मोदी मोदी यस पापा, एनी डेवलपमेंट नो पापा, फार्मर हैप्पी नो पापा, वुमेन सेफ नो पापा, जॉब क्रिएशन नो पापा, ओनली जुमला, हा हा हा। यह एक पोस्टर है जो एक बच्ची लेकर खड़ी है और इसी को उन्होंने ट्वीट किया है। इसके बाद हम अगले ट्वीट की बात करेंगे, वो है देश की शान मोदी, जिसमें कई जो मोदी सपोर्टर्स हैं उन्होंने ट्वीट किया है, कई लोग और भी हैं जिन्होंने ट्वीट किया है। सुलोचना राठौड़ लिखती हैं, सपोर्ट रीट्वीट एंड रिपीट विद अस, देश की शान मोदी। उसमें उन्होंने एक पिक्चर शेयर किया है जिसमें कांग्रेस राज और मोदी राज का जिक्र किया गया है। कांग्रेस राज में लिखा है, अमेरिका पोलियो मुक्त 1979 में होता है, भारत 35 साल बाद 2014 में होता है। अमेरिका 17 करोड़ वैक्सीन 115 दिन में लगाता है, भारत 17 करोड़ वैक्सीन 114 दिन में ही लेता है। तो यह उपलब्धि दिखाते हुए इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट किए हैं। सत्य कुमार लिखते हैं, वी आर प्राउड टू हैव नरेंद्र मोदी जी एज आर प्राइम मिनिस्टर एंड अप्रिसिएट हिज एवरी एफर्ट इन ऑर्डर टू कंट्रोल सेकेंड वेव ऑफ कोरोना पैंडेमिक, देश की शान मोदी। वत्स रंजीत कुमार सिंह लिखते हैं, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोदी गवर्नमेंट एंड कांग्रेस। उसमें भी उन्होंने एक पिक्चर शेयर किया है जिसमें सोनिया गांधी क्राइड ओवर डेथ ऑफ टेररिस्ट इन बाटला इनकाउंटर। सोनिया गांधी क्राइड बिटरली आफ्टर सिंग बाटला हाउस इनकाउंटर इमेजेस, सलमान खुर्शीद इन आजमगढ़। वहीं पीएम मोदी क्राइड फॉर इंडियन सिटीजन्स हु सकम्ड टू कोविड-19। तो एक कंपैरिजन किया गया है सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी का, उसके बाद इन्होंने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया है। अरुण यादव भी लिखते हैं, थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग, किसी वक्त पर यह हैशटैग देश की शान मोदी ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रहा था। अगला ट्वीट है मोदी पनौती है। तो मोदी पनौती है में कई लोगों ने ट्वीट किया है, उसमें द ईगल आई ट्वीट करते हैं, हैशटैग मोदी पनौती है, मोदी बीजेपी गवर्नमेंट हैज फेल्ड इंडिया बिग टाइम, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज फेल्ड इंडिया बोथ इकॉनमी एंड पीपल, मोदी अगेंस्ट नेशन। हंसराज मीना लिखते हैं, इफ यू आर एग्री आरटी, हैशटैग मोदी पनौती है। रुबैल हुसैन लिखते हैं, डियर 2 rupees वैले इट्स आईटी सेल, हाउ मच यू ट्रेंडिंग, देश की शान मोदी, बट रियलिटी इज मोदी पनौती है, मोदी जी कैन नॉट हाइड हिज फेलियर्स बाय क्राइंग, एवरीवन नोज दीज आर क्रोकोडाइल टीयर्स। तो बेसिकली ये दोनों ही ट्वीट्स मोदी पनौती है और देश की शान मोदी पर, अब एक तरह से कहें तो जो मोदी सपोर्टर्स हैं वो देश की शान मोदी ट्रेंड करवा रहे हैं और जो मोदी सपोर्टर्स नहीं हैं उन्होंने देश ये नरेंद्र मोदी पनौती है ट्रेंड करवाया है। और साफ तौर से जिन्होंने देश की शान पनौती है करवाया है ट्रेंड, उनको कह रहे हैं कि ये आईटी सेल के लोग हैं, साथ ही साथ मोदी कोई शान नहीं है, पनौती है, ऐसे बातें लिखी जा रही है। और यह सब कुछ नरेंद्र मोदी जी के रोने पर लिखा गया है, इन दोनों ट्वीट में उसी चीज का जिक्र है। उसके बाद ट्रेंड होता है बैन ट्विटर इंडिया। बैन ट्विटर इंडिया की बात करें तो फिलहाल अभी भी हैशटैग नंबर 1 पर बैन ट्विटर इंडिया ही ट्रेंड कर रहा है, जिसमें लोग ट्विटर को बैन करने की बात कर रहे हैं। बीते दिन हम आपको बताएं ट्विटर के ऑफिस में
छापेमारी भी की गई थी। और उसके बाद हम आपको कुछ ट्वीट्स के जिक्र करें तो मोहम्मद आसिफ खान लिखते हैं, संगीज अ प्रॉब्लम विद ट्विटर देन व्हाई डोंट दे मूव टू कू ऐप, व्हाई ट्रेंड हैशटैग बैन ट्विटर इंडिया, जस्ट लीव दिस ऐप यूजर स्वदेशी ऐप। तो कई लोग जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं कि इस ट्रेंड को ना चलाया जाए और कई लोग इस ट्रेंड के खिलाफ भी हैं। राजीव राजपूत लिखते हैं, ट्विटर इंडिया ऑलवेज रिमेंबर दिस इज नरेंद्र मोदी नॉट ट्रंप, हैशटैग वेल डन दिल्ली पुलिस, हैशटैग बैन ट्विटर इंडिया। अर्पित शर्मा लिखती हैं, व्हाट्सएप ताऊजी जस्टिफाइज रेड ऑन हैशटैग बोले करो, वैसे इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। उसके अलावा नागेश लिखते हैं, लो आई क्यू संगीजा ट्रेंडिंग, हैशटैग बैन ट्विटर इन ऑन ट्विटर, बैन ट्विटर इंडिया ऑन ट्विटर। चिरंजीव गुप्ता लिखते हैं, हैशटैग बैन ट्विटर इंडिया, ट्विटर की औकात, गोल्डन वर्ड्स ऑफ कंगना फॉर ट्विटर इंडिया। तो ये ट्वीट्स जो हैं ट्रेंड करवाए जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्वीट्स, मोदी पुनौती है देश की शान मोदी, उसके अलावा और भी मोदी माफी मांग, उसके अलावा बैन ट्विटर इंडिया। तो बीते दिनों से ये सब कुछ ट्रेंड कर रहा है अलग अलग मुद्दों पे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।